The title of this module is Amplitude, Time Period, Frequency, and Energy of Simple Harmonic Motion. So in this module, we are going to discuss about the definition of the amplitude, definition of the time period, definition of frequency, and finally the energy of simple harmonic motion. बेटा ये कोई मॉड्यूल बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं. बड़ी सिंपल बात है और कुछ इंपॉर्टेंट लेकिन कंसेप्ट हैं ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सकें. बेटा पहली बात यह है कि डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. बेटा एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड बेसिकली आपके पास ये है कि बेटा आपके पास, जैसे कि पहले बात हुई है कि हमारे पास अगर ये मेन पोजीशन है किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, आपके पास स्प्रिंग बैलेंस की एग्जांपल ले सकते हैं, आप सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले सकते हैं, तो बेटा आपके पास जो है एक मेन उसकी पोजीशन है जहां पे वो रेस्ट की स्टेट में वो मौजूद है. आप उसको खींचते हैं या पुश करते हैं तो अपनी जगह से थोड़ा सा पोजिशन मूव करता है, वापिस आता है. तो बेटा मैक्सिमम जितना वो डिस्टेंस कवर करता है अपनी मेन पोजीशन से, दिस इज व्हाट वी कॉल एज दी एम्पलीट्यूड. तो बकायदा तो अपन इसको डेफिनेशन को बेटा हम देखते हैं. इसको रिपीट करने का मकसद यह है ताकि देखने का दोबारा से डेफिनेशन, ताकि अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि मैं फील करूं कि आपको दोबारा बताई जानी चाहिए तो ताकि मैं आपको बता सकूं. तो बेटा एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑसिलेटिंग बॉडी इन वन ऑसिलेशन और लेंथ ऑफ अ वेव मेजर्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. तो फिर ये वही बात हो चुकी है. तो बेटा आगे हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड. अब बेटा टाइम पीरियड, जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में भी बात की है कि टाइम पीरियड से पता लग रहा है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि उसके एक पीरियड कंप्लीट होने के लिए, ना एक कंप्लीट सर्कल होने के लिए. सर्कल कह लें, सर्कल एज सच तो नहीं कह सकते लेकिन पीरियड डेफिनेटली है. तो बेटा हमारे पास क्या है कि अगर एक ऑसिलेशन उसकी कंप्लीट होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द टाइम पीरियड. So time period is the minimum time required by the oscillating system to complete its one cycle of oscillation of the specific system. अब बेटा इसको हम represent किससे करते हैं? इसको हम T से represent करते हैं और normally किस में measure करते हैं? Seconds में measure करते हैं. आगे है आपके पास definition of frequency. अब बेटा frequency या उसकी, आप कुछ लोग उसको याद रखने कहते हैं tendency जैसे है. तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड के अंदर वो कितनी ज्यादा ऑसिलेशंस करेगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द फ्रीक्वेंसी. तो बेटा हमारे पास जो है यहां पे इसको फ्रीक्वेंसी को हमने एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पहली दफा यहां पे चूंकि वर्ड है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं. तो द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन वन सेकेंड. तो ये बेटा आपके पास जो है एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशंस होंगी वो आप उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. और इसको किस में मेजर किया जाता है? बेटा इसको हर्ट्स में मेजर किया जाता है. आगे बेटा आपके पास है कि इसको कैलकुलेट किस तरह करना है. टाइम पीरियड का जो फार्मूला था वो हमने लास्ट मॉड्यूल में आपने देखा कि किस तरीके से उसको टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जा सकता है. लेकिन बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फिर फ्रीक्वेंसी को किस तरह कैलकुलेट किया जाए. तो बेटा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का देखें आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो फार्मूला लिखा है एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी. आगे बेटा हमारे पास टॉपिक आ जाता है एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. बेटा एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है आपके पास, आपने ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेटा हमारे पास जो एनर्जी है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं. तो हम लेते हैं कि हमारे पास टोटल अगर वी जो है, अगर हम उसको कहते हैं कि जी पोटेंशियल एनर्जी है, और टी जो है हमारे पास, बेटा यहाँ पे जो टी है, एक इटैलिक जो टी मैं यूज कर रहा था वो बेसिकली टाइम पीरियड के लिए. अब यहां पे जो टी आप देखेंगे कि नॉन इटैलिक है, तो बेटा इसको हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज किया. पहले भी हमने इसको इस तरह डिफाइन कर चुके हैं. तो बेटा यहां पे आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि ये टी कौन सा है. तो डी इज डेफिनेटली हियर एज द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास अगर ये टोटल एनर्जी बनाता है, दैट इज योर ई. तो बेटा हम इसको फिर किस तरीके से, हमारे पास ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास होगी. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का, तो बेटा फार्मूला हमें पता है वो क्या है, के डॉट ई काइनेटिक एनर्जी के लिए, और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. बेटा ये तो हम पहले इसके कुछ फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं शायद. आगे हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ. बेटा पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या है?
उसका जो फार्मूला है यहाँ पे v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी तरफ मैं वापस चलता हूँ, वैसे तो कुछ बच्चे इस फार्मूले को ऑलरेडी उनसे फेमिलियर होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को इसका आइडिया ना हो, तो मैं बेटा जरूर इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे, लेकिन फिलहाल हम अपना जो फार्मूला है मेन एनर्जी का उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैं बताता हूँ कि इसको आप किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। तो बेटा आप देखें कि आपके पास अगर ये पोटेंशियल एनर्जी वी है, वी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी, आपके पास क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो किस तरीके से आ रहा है। बेटा इसकी दो अप्रोच है आपके पास उसको करने के लिए। पहली बात तो यह है कि आपने अगर वर्क डन का जो कंसेप्ट है बेटा वो आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, अगर उससे आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। बेटा वो क्या है कि आपने यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपने पढ़ा कि आपके पास जो है रेस्टोरिंग फोर्स का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है स्प्रिंग बैलेंस के लिए, वो आपने पढ़ा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, ठीक है। और बेटा अब आपके पास जो है ये इसको अपने अगर वर्क डन कंसिडर करते हैं तो वर्क डन आपके पास फिर क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला आपको पता है कि वो आपके पास होगा W इज इक्वल टू, अगर मैं एक पॉइंट से आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है वो पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, अगर फर्ज करें अगर हम उसके उसको खींचते हैं या पुश करते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है फिर वापस वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन से लेकर ओरिजिन तक फर्ज करें अगर हम लेते हैं तो हम कहते हैं जी कि माइनस एक्स मैक्सिमम से लेकर अब जीरो तक जाते हैं एंड माइनस के एक्स और फिर डी एक्स। तो बेटा आपके पास ये इसको अगर आप इवेलुएट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा हाफ के एक्स के अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके अलावा एक और डिफरेंट अप्रोच हो सकती है कि आप किस तरीके से आप कहते हैं जी कि आपके पास के वी इज इक्वल टू माइनस डेल एफ और डेल वी सॉरी डेल एफ या डेल एफ आपने फोर्स के लिए का यूज किया है, तो बेटा इस तरीके से भी अगर हम सॉल्व कर, लेकिन ये वाला कंसेप्ट अभी मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, उसकी रीजन ये है कि अभी हम एक एग्जांपल के अंदर इसको यूज करेंगे, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग हम चाहें तो इसको रेज कर सकते हैं। तो बेटा आप अगर यही कंसेप्ट अगर अपने जेन में रखें, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे इन फ्यूचर अगले किसी मॉड्यूल में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इस फार्मूले को इस पहले वाले फार्मूले के साथ इवेलुएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपके पास टोटल एनर्जी आएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द मॉड्यूल, थैंक यू वेरी मच।